नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हिमलेश देवांगन और स्वागत है आप सबका आज के एक नए वीडियो पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं बताने वाला हूँ, यदि आपके फार्म पर आपके मुर्गियों में लंगड़ेपन की प्रॉब्लम्स होती है तो उसका बचाव कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन की आवश्यकता पड़ने वाली है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो पर मिलने वाली है। तो दोस्तों, बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक बने रहिए और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, जब हम मुर्गी पालन करते हैं और हम यह देखते हैं कि हमारी मुर्गियों में एक के पश्चात एक दूसरी मुर्गियों में जो है लंगड़ेपन की प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है, तो यह क्यों मिलती है, मुर्गियों में लंगड़ेपन आने के क्या क्या कारण होते हैं और इलाज कैसे करेंगे, इस पर जो है कंप्लीट बात करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों यह जानते हैं कि मुर्गियों में लंगड़ेपन होने के क्या क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों, मुर्गियों में लंगड़ेपन होने के मुख्य कारण होते हैं मुर्गियों में जो है कैल्शियम की कमी होने की वजह से। जब मुर्गियों के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इस सिचुएशन में मुर्गियों में लंगड़ेपन की प्रॉब्लम्स देखे ही जाते हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जब हम चूजे का ब्रूडिंग करते हैं तो ब्रूडिंग करते समय हम टेम्परेचर का सही से मैनेजमेंट नहीं करते हैं, इसके कारण मुर्गियों में जो है लंगड़ेपन की प्रॉब्लम्स देखी जाती है। जैसे जब हम चूजे के ब्रूडिंग करते हैं पूरे 3 सप्ताह तक, तो पहला सप्ताह कितना टेम्परेचर हमें रखना चाहिए, सेकंड सप्ताह कितना टेम्परेचर रखना चाहिए, तीसरा सप्ताह कितना टेम्परेचर रखना चाहिए, तो इसका हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है और हम टेम्परेचर सही से मेंटेन नहीं करते हैं, जिसके कारण मुर्गियों में जो है लंगड़ेपन की शिकायत आगे चल कर के देखी जाती है। जब मुर्गियाँ बड़े हो जाती है उसके पश्चात मुर्गियों में लंगड़ेपन की प्रॉब्लम्स देखी जाती है। यदि आपको इस पर कंप्लीट जानकारी चाहिए, मुर्गियों का जो है ब्रूडिंग करते समय कितना टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, इस पर मेरा कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, इसका लिंक जो है मैं आई बटन पर दे दिया हूँ, यहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और तीसरा कारण होता है दोस्तों मुर्गियों में लंगड़ापन की, वह है हमारे फार्म पर हमारे मुर्गियों में बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से। बार बार हमारे फार्म में किसी प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं जिसके कारण मुर्गियाँ बार बार बीमार होती है और बार बार बीमार होने की वजह से मुर्गियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कम हो जाती है। मुर्गियाँ जो है स्ट्रेस में रहती है और दाना पानी खाती है, तो दाना पानी तो खा लेती है परंतु दाना पानी में जो पोषक तत्व उसका मिलना चाहिए वो उसको मिल नहीं पाता है, दाना पानी से वो पोषक तत्व को एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण मुर्गियों में कैल्शियम की कमी होने लगती है और अन्य मिनरल्स की कमी होने लगती है, जिसके कारण मुर्गियों में लंगड़ेपन आने की संभावना जो है बढ़ जाती है। और चौथा चीज़ दोस्तों, जब ठंडी के समय में हमारी मुर्गियों को बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है या गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी मुर्गों को पड़ती है, मतलब हम जो है फार्म का टेम्परेचर सही से मेंटेन नहीं करते हैं, इस सिचुएशन में भी मुर्गियों में लंगड़ेपन की प्रॉब्लम्स देखी जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ ही रीज़न होते हैं जिसके कारण मुर्गियों में लंगड़ेपन की प्रॉब्लम्स देखी जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं यदि हमारी मुर्गियों में लंगड़ेपन की प्रॉब्लम्स आ गई है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो ट्रीटमेंट करने के लिए हमें कुछ मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, जैसा पहला तो कैल्शियम सिरप की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरा विटामिन B12 जिसे साइनिकोबालामिन, मेथिलकोबालामिन या मेकोबालामिन नाम से जाना जाता है, और तीसरा चीज़ विटामिन D3 जिसे कैल्सिफिराल नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। यदि ये 3 चीज़ें हमें किसी भी एक मेडिसिन में मिल जाती है तो सिर्फ एक मेडिसिन को ही हम मुर्गियों को पीने के पानी में देंगे जिससे हमारी मुर्गी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। परंतु दोस्तों, मेरे नॉलेज में अभी तक ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है जिसमें ये 3 चीज़ जो है एक साथ मिल जाएगी। यदि आपके नॉलेज में ऐसा कुछ मेडिसिन है तो आप उसका इस्तेमाल मुर्गियों को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे नॉलेज में जो मेडिसिन है उसके बारे में बताना चाहूँगा। आप जो है कैल्शियम की पूर्ति के लिए आप जो है कैल्गोफास सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्गोफास सिरप, इसमें जो है काफ़ी अच्छा कैल्शियम के सोर्स होते हैं, जैसे इसमें जो है कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, कोबाल्ट, कैल्शियम फॉस्फेट, जिंक और बहुत सारे पोषक तत्व तो इसमें होते हैं जो कैल्शियम की डिफिशेंसी को पूरी करेंगे। इसमें जो है कैल्शियम का काफ़ी अच्छा सोर्स होता है, तो ये कैल्शियम सिरप के लिए बेस्ट सिरप होता है। वैसे मार्केट में और बहुत सारे सिरप होते हैं परंतु आप उसका कंपेयर करेंगे, इसकी कंटेंट को लेकर के कंपेयर करेंगे तो ये कैल्शियम का काफ़ी अच्छा सोर्स होता है। तो आप जो है कैल्शियम सिरप में कैल्गोफास सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ दोस्तों, हमें ज़रूरत पड़ने वाली है विटामिन B12 और विटामिन D3 के, तो इसकी पूर्ति के लिए हम जो है दूसरा सिरप इस्तेमाल करेंगे, रेविटा B12 लिक्विड।
इस लिक्विड में हम देखेंगे कि इसमें विटामिन D3 और विटामिन B12 की कंटेंट काफ़ी अच्छा मात्रा में मिला हुआ है। जैसे इसमें 1 ml कंटेंट में जो है विटामिन D3 1500 IU मिला हुआ है और विटामिन B12 का 50 mcg इसमें मिला हुआ है। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं विटामिन ए है, विटामिन ई, विटामिन सी और साथ में बायोटिन है जो हमारे बर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। तो हमें ये इन दोनों सिरप को एक साथ इस्तेमाल करना है। इन दोनों सिरप को हमें 20-20 ml लेना है और 100 बर्ड्स पर हमें जो है लगातार 7 दिनों तक चला देना है। मुर्गियाँ जिसमें पानी पीती है, जिस ड्रिंकर में पानी पीती है या जितने भी हम मुर्गियों को पीने के पानी देते हैं उसमें ये दोनों मेडिसिन हमें दे देना है 20-20 ml। कैल्गोफा सिरप को 20 ml, रेविटा बीटोल लिक्विड को जो है 20 ml मुर्गियों को पीने के पानी में लगातार 7 दिनों तक दे देना है। दोस्तों इस प्रकार से आप 7 दिनों तक मुर्गियों को पीने के पानी में यह मिला करके देते हैं तो आपकी मुर्गियाँ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी 7 दिन से 10 दिन के अंदर में। तो दोस्तों यह था एक छोटी सी जानकारी और इसी तरह से नई नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी ही नई जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।